वहाँ वो नल नहीं चल रहा है। फिर वो 6 महीना से पानी की संस्था के चलते हम लोग यहाँ ढोड़ी के पानी को लेके जाते हैं। नल क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर खराब है। कितना दिन से खराब है? कुछ वो 6 महीना से। वैसे तो ग्राम पंचायतों को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी की वजह से पंचायतों में समस्याओं की भी कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड बतौली के ग्राम पंचायत चिरंगा की, जहां पे नल जल योजना पिछले 6 महीनों से बंद है। जब हमने कारण पूछा तो पता चला नल तो सही है, लेकिन नल को सप्लाई करने वाला विद्युत ट्रांसफार्मर ही फेल है। यहाँ नल जल योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये 6-7 महीना से खराब है। इसके चलते हमारे ग्रामीणों को पानी पीने में बहुत समस्या हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग? हम लोग ग्राम सभा से प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। आवेदन भी दिया गया था। क्या बोलते हैं? आपकी मुलाकात तो नहीं होगी अधिकारियों से? तो यहाँ के ग्रामीण लोग भी गए थे और मेरे को बताया गया कि वहाँ कुछ तत्काल आप पैसा दो तभी लगेगा, नहीं तो अभी पंचायत तरफ से बाद में ही लग पाए बोले। जब इस मामले की जानकारी मुझे मिली तो मैंने गांव के लोगों से मिलकर वीडियो बनाया और साथ ही मैंने मीटिंग कर आवेदन तैयार करने में इनकी मदद की और संबंधित अधिकारी को मामले से अवगत कराया। अब देखना होगा कि 6 माह से बंद नल से जल की धार कब तक ग्रामीणों को मिल पाती है। इस वीडियो को देखने वाले साथियों से मेरी अपील है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर तत्काल विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की मांग करें। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ट के लिए।